जींद पहुंचे विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के ड्राइवर हैप्पी सिंह और सिटी ट्रैफिक एसएचओ चरणजीत सिंह के बीच गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हो गया। गाड़ी की पार्किंग को लेकर यातायात थाना प्रभारी व जींद के भाजपा विधायक के चालक आमने सामने आ गए। विधायक के चालक हैप्पी सिंह ने यातायात थाना प्रभारी चरणजीत सिंह पर नशा कर ड्यूटी करने का आरोप लगाया है। साथ ही भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने भी मामले की शिकायत डीआईजी ओपी नरवाल को की। इसके बाद थाना प्रभारी चरणजीत सिंह को मेडिकल करवाया गया है। डीएसपी धर्मवीर सिंह के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। हुआ यूं कि रोहतक रोड से आगे मिनी बाईपास पर एक होटल का उद्घाटन वीरवार को होना था। इसमें भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला व जींद के भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा उद्घाटन करने पहुंचे। विधायक के चालक के आरोप हैं कि जब विधायक होटल से बाहर आ रहे थे तभी उन्होंने गाड़ी पार्किंग से निकालकर मुख्य सड़क पर लगा दी। ठीक इसी समय यातायात थाना प्रभारी चरणजीत सिंह ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। जब उन्होंने बताया कि विधायक आ रहे हैं और उनके लिए गाड़ी लगाई है तो उसे धमकाया गया। यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक चरणजीत सिंह ने लगाया आरोप कि विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा उन्हें पहले भी धमकी दे चुके हैं। वह रंजिश के कारण उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वह अपनी ड्यूटी को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। वह भविष्य में भी अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहेंगे। उन्होंने कहा कि नियम सबके लिए एक जैसे हैं। विधायक के चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और गाड़ी सड़क पर खड़ी थी, इसीलिए उन्हें टोका गया था। जो चरणजीत सिंह निरीक्षक जो है ये ट्रैफिक एसएचओ सिटी लगा हुआ है सिटी ट्रैफिक, और आज ये चेकिंग कर रहे थे कहीं रोड पे और शिकायत आई थी कि इसने शराब पी रखी है, तो इसलिए इसका मेडिकल करा गया है। ये शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है, अगर इसमें शराब पी रखी है तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नहीं, ये कह रहे हैं कि शिकायत किसने दी थी शराब पी रखी? शिकायत किसी ने नहीं दी, लेकिन जो हमारा जो सोर्स है उससे पता लगा है भैया शराब पी रखी, लोगों से बातचीत में ऐसे भी तो किसी अननोन आदमी ने फोन किया इन्हें शराब पी रखी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।